नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। पुलवामा हमले के बाद भारत की इस कार्रवाई से बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान और उसकी अर्थव्यवस्था। जी हां, भारत ने लगा दिया है बैन कई सारी चीजों पर। पुलवामा में CRPF पर आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कड़े प्रहार करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को दुनिया में ब्लैक लिस्ट कराने की तैयारी कर ली है। दुनिया भर में आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ काम करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को भारत डॉजियर सौंपेगा और पाक को ब्लैक लिस्ट करने की मांग करेगा। आपको बता दें कि इस हफ्ते 17 से 22 फरवरी में पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की बैठक हो रही है। ऐसे में अगर FATF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर देता है तो इससे IMF, वर्ल्ड बैंक, यूरोपीय संघ जैसे बहुपक्षीय कर्जदाता उसकी ग्रेडिंग कम कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप कोई भी देश कर्ज देने से कतराएगा, इससे पाकिस्तान की बदहाली बढ़ती नजर आएगी। आपको बता दें कि FATF ने पिछले साल पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। इतना ही नहीं, इससे पहले पाकिस्तान साल 2012 से 2015 तक FATF की ग्रे लिस्ट में रहा है। पिछले साल पाकिस्तान को इन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया था, हालांकि इससे पहले पाकिस्तान पहले भी ग्रे लिस्ट में रह चुका है। पुलवामा आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत दिए जाएंगे और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल कराने की कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि FATF क्या है। जी हाँ, G7 देशों की पहल पर FATF की स्थापना 1989 में हुई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इस संगठन के सदस्यों की संख्या 37 है। भारत भी इसका संगठन का सदस्य है। दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग पर लगाम लगाने में नाकाम देशों की रेटिंग तैयार करना है। इसमें दो लिस्ट तैयार होती है। पहली लिस्ट है ग्रे, दूसरी ब्लैक। ग्रे में शामिल होने वाले देशों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से आर्थिक मदद मिलने में मुश्किल होती है और वहीं ब्लैक लिस्ट में शामिल होने के बाद रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है और भारत ने तैयारी कर ली है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।